कहते हैं कि एक कलाकार का दिल जब जलता है तो सारी दुनिया ताली बजाती है, पर क्या आप जानते हैं कि एक आर्टिस्ट का दिल तो एक सिगरेट की तरह होता है जिसका मकसद ही सिर्फ जलना होता है। हाय, मैं नेबर हूँ आपका, यहाँ बगल में शिफ्ट हुआ अभी अभी। दरअसल माचिस चाहिए थी मुझे, होगी आपके पास? दो मिनट। या ये लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, वो एक ही है मेरे पास, तो आई नीड अ बैग। या श्योर, जस्ट अ मिनट। Sorry. It's हाय, वो फिर से माचिस चाहिए मुझे। जी। थैंक यू। आपको इतनी ही जरूरत है तो खुद क्यों नहीं खरीदते? वेल, पेंटर हूँ ना, तो सैलरी बहुत लिमिटेड है मेरी। तो आप पेंटर हैं, किस टाइप की पेंटिंग्स करते हैं? मतलब पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, स्केचेस? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि टाइपकास्ट ना हो। तो आपको काफी सोचना पड़ता होगा इन पेंटिंग्स के बारे में। वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्पिरेशन। क्या आपने ये सोचा है कि ये पेंटिंग्स आपके बारे में क्या सोचती हैं? Sometimes the art within an artist goes blank. पर ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं जो बार बार एक कलाकार को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और उन्हीं सवाल के जवाबों के बीच उसे मिलता है एक नया नजरिया। सी, पेंटिंग बिफोर वॉज अ फ्रीली फ्लोटिंग आइडिया, बट नाउ इट हैज बीन कैप्चर्ड ऑन अ कैनवस। आई टुक हर फ्रीडम, थैंक यू, एंड कैप्चर्ड इट, सो शी थिंक्स ऑफ मी एज अ कैप्चरर। पहले वो एक शेपलेस आइडिया था। यू गेव हर अ फॉर्म, यू गेव हर एन आइडेंटिटी, यू वर द वन हु गेव हर लाइफ, सो आई डोंट थिंक शी थिंक्स ऑफ यू एज अ कैप्चरर। काफी अलग सोचती हैं, आई मीन इट्स डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। सोचते तो आप ही ऐसा ही हैं, पर आपने कभी रियलाइज नहीं किया। आपके बाल चमक रहे हैं। कुछ लगा है? अरे नहीं, they are shining. Oh, so it's a compliment. Yeah.
चले। क्या कर रही हो? दीवार ढूंढ रही हूँ। तुम? तुम्हें देख रहा हूँ। कैसी लग रही हो? खूबसूरत। तुम्हें देखकर एक पोयम याद आती है। कौन सी? इस बार प्रिय मधु तुम हो, इस बार न जाने क्या होता। तुमने लिखी है? एक आखिरी बची है इसमें। जब ये खत्म हो जाएगी तो हम कैसे मिलेंगे? दूसरी खरीद लूंगा। इंस्पिरेशन कब प्यार में बदल जाती है और वो प्यार कब ऑब्सेशन में, समझ ही नहीं आता। आपकी क्रिएशन जो आप ही का एक हिस्सा है, एक दुल्हन की तरह पूरी तैयार आपके सामने होती है। आप उसे जाने नहीं देना चाहते, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उस प्यार को मारना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ कागज हैं जो अब भी खाली हैं, कुछ रंग हैं जो अब भी अपनी बोतलों में बंद हैं, और एक दिल है जो अब भी पूरी तरह से जलने को है। हाय, माचिस चाहिए थी मुझे, होगी आपके पास?